तीर निकल जाता है, वापस आता है नहीं आता। ये जगाना होगा भारत के युवाओं को। शादी के बाद बच्चा के गोदी ले ले रहेगा, अपन पत्नी ठुनकाएगी। अगर इसके भीतर भगवान का स्थापना नहीं किया गया, ये जितना बड़ा बड़ा मठ मंदिर बन रहा है। लोगों के जीवन की वास्तविक समस्या भी क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में लोगों के जीवन की समस्या क्या है। मान लीजिए समस्या होगा तब तो हम लोग उस पर काम करेंगे। कौन सी समस्या है? देखिए साहब, बेरोजगारी एक कारण हो सकता है लेकिन वो समस्या नहीं है। बेरोजगारी एक कारण हो सकता है लेकिन वो समस्या नहीं है। कारण हो सकता है। बेरोजगार कौन होता है जानते हैं? बेरोजगार कौन होता है? निठल्ला व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, किसी काम का नहीं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगार। जो करने वाला व्यक्ति है उसके लिए हमेशा रोजगार है और हमेशा रोजगार रहेगा। अब आप सोचोगे कि जो हम चाह रहे हैं वही हो जाए, ये दुनिया में किसी के लिए संभव नहीं हुआ है। अंधेरा लोगों के भीतर है। लोगों को रास्ता दिखाना इन दिनों बहुत आवश्यक है। पूरा का पूरा समाज भटक रहा है, खासकर ये जनरेशन, और इन सारे चीजों के समाधान के लिए हम लोग गांधी मैदान का कार्यक्रम रखे। युवा जब असमंजस की स्थिति में आ जाए, उसे समझ में नहीं आए कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ऐसे समय में हम लोगों को खड़ा होना होगा। अभी एक भटकाव का दौर चल रहा है। लोगों के जीवन में एक ही चीज है कि बस हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और दूसरा जितना जल्दी हो नौकरी के बाद। भैया तो कार्तिक भी आ गया, जल्दी हो जाए और शादी हो जाए, फिर क्या हो जाए, अगला भी हो जाए, बस सारा समाधान हो गया। छटपटाने हो, छटाओ अपने जिंदगी में छटपटाओगे और तब भगवान के पास हनुमान से लेके दुर्गा तक जाओगे, वो भी कहेगा कि याद करो दीन, तो जब मछली को छटपटाया था तो तुम्हारा क्या हाल हुआ था। मुर्गा का रोआ नोचता है, तुम्हारा अगर बाल नोचे नहीं सर, माफ करिएगा, प्रोटीन खाने से ताकत मिलता है। मैंने स्टेटस लगाया, विराट कोहली जी ने एक जगह बयान दिया कि मैं एक साल से शाकाहारी जीवन जी रहा हूं और इसका इफेक्ट मेरे लाइफ में बहुत पड़ता है। तो एक इनके बीच की एक विद्वान, इधर भी विद्वान है, इनके बीच के एक विद्वान ने मुझे मैसेज किया कि सर वो शाकाहार खाते होंगे तो कुछ विशेष पावरफुल चीज सब खाते होंगे ना। अब लो भाई, अरे भैया मैं कहता हूं हाथी क्या खाता है ये बताओ, पीपल का पत्ता, घास फूस, यही सब। उसके पास वो पत्ता खा के उतना ताकत कहां से आ जाता है? घोड़ा अंडा खाता है, आमलेट, घोड़ा क्या खा। अरे भैया ये अज्ञानियों को जगाना होगा, नहीं तो मर जाएगा ही। शादी के बाद बच्चा के गोदी ले ले रहेगा, अपन पत्नी ठुनका आएगी, चल ना बढ़ल ना जाओ। सही बता दो हमको तो, थोड़ी जवानी को आग लगे, ऐसी जींस और टी शर्ट आई, मोटा दाढ़ी छिला छिला के हमारे गाल दो, थोड़ी गाल के लाल, गली का कुत्ता भी नहीं चूसेगा, माल नहीं है इसमें, चूसा हुआ माल है। आप लोग नहीं, आप तो अच्छे लोग, माफ करना, इसी के लिए गांधी मैदान बुला रहे हैं। जो कहेगा कि जो न्याय जय बो, कह के एक बार चल, अब पहले हम ही बोलेंगे। नेका सब आएगा तो हम पूछेंगे कितना नेका छोड़ा है रे, और उनका बढ़िया से पहले धोएंगे, तब पांड्या जी को बुलाएंगे कि शराब आवाज है, ये माल के लिए रहे। ये बात कह रहे, क्या होता है क्या होगा, ये मरे हुए मुर्दों का देश लेके क्या करेगा भारत। पूना में मुर्दा, बेंगलोर में मुर्दा, 10 बजे दिन में उठते हैं, पत्नी अब कॉफी लाएगी, हम ठुनका देंगे, ऐसा माल लेके मोदी जी सपना देख रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, काशी बना दिए, उज्जैन बना दिए, राम मंदिर बना दिए, आयकर से का पैंट ढीला हो रहा है, हैं? क्या करेगा ये माल लेके, जिसके बल पर जो मंदिर बनाना है, मेन मंदिर ये है, ये है। अगर इसके भीतर भगवान का स्थापना नहीं किया गया, ये जितना बड़ा बड़ा मठ मंदिर बन रहा है, हम क्या कहें आपको।
आजकल YouTube पर एक से एक बाबा सवार रहा है, क्या बोल रहा है वो बाबा को भी पता नहीं है। माफ करिएगा, ये जगाना होगा भारत के युवाओं को, जन जागरण, ये समय आ गया है। और 2022 से लेकर 2026 तक का जो समय है, चक्र चलेगा। आपको विश्वास है हम पर? नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास। हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। हमारा एक वीडियो 2017 में, पूछ लीजिए भाइयों से, 2017 में एक वीडियो में हमको कौन कहा भगवान जाने, ऐसे ही एक वीडियो में हम बोल दिए कि 2020 तक ऐसा भीषण समय आएगा कि मनुष्य के जीवन पर संकट आएगा। अब हमने कैसे बोल दिया वो वीडियो, जब 2020 में कोरोना फैल गया तो सब वीडियो चला दिया वो, कि भैया आप तो 2017 में बोले थे, 20 में सही आ गया, सही 2 साल आ गया। मैं सच्ची बात बता रहा, पूछ लीजिएगा भाइयों से। इसी तरह एक बार राष्ट्र यहाँ राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, हमारा बात पर बाएं दाएं झांकिएगा तो रेलवे का बैगन तो लेके नौकरी नहीं मिलते, सुन लिए हम ही है मन से, हम गायत्री जप लीजिए, बोल दलियो शंका किया, हम गुरु जी के आदमी है, किसके हमारा पर शंका कह लें तो पैंट पहने के औकात नहीं रहते। रामनाथ कोविंद यहाँ गवर्नर थे, सही बात बोल रहे हैं क्या भाई, हम लोग उनको कहाँ के कार्यक्रम, इसी मैदान में 2016 में बड़ा कार्यक्रम था, एक दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे, दूसरे दिन उनका प्रोग्राम लेना था, उसमें हम लोग गए प्रोग्राम लेने मिले। लेकिन सेम टाइम में उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो भागलपुर प्रणब मुखर्जी को आना था। राष्ट्रपति के प्रोग्राम में प्रोटोकॉल होता है कि गवर्नर को रहना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा मैं चलता आपके प्रोग्राम में, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेम डेट में कौन आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं भागलपुर में, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं जा पाऊंगा। बड़ा टेंशन हुआ, बाहर निकले तो हम कहे कि अब तो एक के गो उपाय है, कार्यक्रम अभी एक महीना बाद है, अभी तो एक के गो उपाय है, वो डेट में प्रणब मुखर्जी बीमार पड़ जाएंगे तो राष्ट्रपति राज्यपाल जी आएंगे। अच्छा आपको मैं मंदिर में बता रहा हूं, सेम 2 दिन हमारे कार्यक्रम के पहले पेपर में छपा कि प्रणब मुखर्जी का भागलपुर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, वो बीमार पड़ गए हैं, और गवर्नर साहब का प्रोग्राम बन गया। इसलिए जो हम कह रहे हैं, हमारा देख के बाएं दाएं कर में चौकी ढीला हो जाते, भैया रात में सोए हुए थे पतरा टूट गया। ये जो हम कहते हैं उसको मानो, हम डेरा नहीं रहे। चलो भाई, तो ये क्या करना है सबको इस कार्यक्रम में, करो या, और ये अगर भागे मैदान से, ये भगवान की सेना है। किसकी सेना? सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग, जो हाथ नहीं उठाएगा उसका जीवन संकट में फंस जाएगा। बोलिए हम संकल्प लेते हैं गांधी मैदान के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हम सभी तन मन और धन से पूरा मेहनत करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के बीच इस अभियान को फैलाएंगे, लोगों को गांधी मैदान लाएंगे। भगवान इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आपने संकल्प ले लिया, अग्नि के साक्षी में दीपक जल रहा है भगवान के मंदिर में, और शादी भी होता है अग्नि के साक्षी में। सेना में भर्ती हो गए, हाथ उठा लिया, मौका था हाथ नीचे रखने का, हमने बोला वो बात अलग है, मन होता आप नीचे रखते, लेकिन आपने उठा लिया, अब तो मामला चुक गया, तीर निकल गया, अब वापस नहीं आता है, जो तीर निकल जाता है वापस आता है नहीं आता। सेना का एक वसूल है, भर्ती हो गए, अब सैलरियो मिलता हो, कैंटीन के भी व्यवस्था हो। अब उधर से पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ, उधर से भी गोलाबारी, इधर से भी, अब दूगो बिहारी तेज जो सोचा था खाली कैंटीन का मजा लेंगे, रे गोली चल रही, हम सभी बात सोचबे ने के लिए है की कर में खिसक जो। तो सेना का एक वसूल है, आप जानते हो, अगर सेना मोर्चा से भागे तो पीछे से गोली मारने का, भगवान की सेना में आपने हाथ उठा दिया है। अगर
संकल्प तोड़े राहु, केतु, शनिचर, मंगल, यहां से लेके गांव तक हमारा पास मत आइएगा कि सर उस शराब हटा लीजिए, हम नहीं हटेबो। एक लड़का यहां संकल्प ले लिया जो हम वीडियो नहीं देखेंगे। बाद में वो फोन किया ऑफिस वाले भाई लोगों को, मनीष भैया से बात करा दीजिए। कहे क्या, हाथ उठा के संकल्प करा दिए थे, पूरा नहीं हो पा रहा है, वापस ले लें वो। हमने कहा था अब हम वापस नहीं लेंगे, अब तू भोग। इसलिए भाई, और मैं एक और विश्वास आपको दिलाता हूं, आप इसमें भागीदार बनेंगे, भगवान के खेत में बोएंगे तो आपको घाटा नहीं होगा। किसी को नहीं हुआ, हमें नहीं हुआ, हमें घाटा हुआ क्या? निशांत रंजन को घाटा हुआ क्या? अभिषेक जी को घाटा हुआ? सचिता को घाटा हुआ? कितने भाई यहां बैठे हैं, किनको घाटा हुआ? किन्हीं को नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा, आपका भी जीवन सुंदर शानदार बनता चला जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को अब सफल बनाना है, आपने तीन संकल्प लिया है, तन, तन मतलब मन, और तीसरा धन। धन भी चाहिए, एक पैंट शर्ट की कीमत आपको कही गई थी। जिन जीवन में बहुत बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहां जाते हैं, डेंगू भगवान न करे काट ले कभी, भैया प्लेटलेट्स 52 पर पहुंच गया, माफ करिए, भगवान के खेत में बोइए, घाटे में नहीं रहिएगा। जीवन में बहुत सारे चीज मिलेंगे आप। मैं कल जो हमारा यहां का लड़का मधुबनी का आयोजक था, देख के कोई नहीं कह सकता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजक ये बन सकता है। भगवान तो किससे काम ले लेगा पता नहीं, किसको ये श्रेय मिल जाएगा पता नहीं। इसलिए आप सब लोग गांधी मैदान का अभी से अभियान शुरू कर दीजिए। एक एक भाई, कितने भाई को लाएंगे? 100। प्रचार करने वाला टीम अलग बनेगा और सब टीम अलग बनेगा। अब तो लगातार पंपलेट पोस्टर सब छप रहा है, आपको भी लड़कियों का संख्या कम से कम वहां 5,000 लड़कियों को जुटाइए। इतने बड़े वक्ता आ रहे हैं शांति कुंज से, तो आप सब लोग, दूसरा है यहां से संकल्प लेके जा रहे हैं, वहां बकरी भी बैठी मिलेगी, भटकाने वाला बैठा मिलेगा, उससे भी सावधान रहना है, इनके भटकावे में नहीं आना है। इसलिए जिंदगी को शानदार बनाना है, और लोगों के जीवन में अगर आप प्रकाश लाएंगे, आप मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वयं लाल हो जाते। इसलिए आप सब लोगों ने संकल्प ले लिया है, अब उस संकल्प को पूरा करना है, उस संकल्प को सफल बनाना है। इसलिए आप सबसे मेरा भाव भरा निवेदन है, और बाएं दाएं किए बैगन तौले के नौकरी। भैया वो तौले वाला नौकरी निकला था, नहीं हुआ वैकेंसी दिए, याद रखिएगा। आपको हम डरा नहीं रहे, हम डराते तो गवर्नरों को नहीं थे, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे कि बीमार पड़ जाएगा तो नहीं आएगा, ऐसे ही बीमार पड़ गया। इसलिए हमरा से पंगा मत लीजिए, हम भगवान के आदमी, अंगद रावण के दरबार में जाके पैर लगा दिया, सब योद्धा सब हार गया, पैर नहीं उखड़ा, अंतिम में रावण भी आया हॉस्टल से, हम रंगदार ही हो, हम तो हिलाइबो। रावण को कहा नहीं तेरा इलाज तो वही करेंगे। वहां जब सब बंदर सब लौज में जुटा, कहा छो ये बताओ तुम रावण के सामने पैर अड़ा दिए, किसके बल पर तुम कूद रहे थे? कहा हम अपने बल पर थोड़े कूद रहे थे, हम तो देखना चाह रहे थे कि राम जी में ताकत है कि नहीं है। तो हम लोग अपने बल पर थोड़े कूदते, हम लोग भी तो इन्हीं के बल पर कूदते हैं, आ इनको हम जो कहते हैं वही करते हैं, झूठ नहीं बोल रहे, हम देखे नहीं है, हम कह देंगे जितना छोरा यहाँ संकल्प लेके भाग लो ओकरा घरे तक खदेड़िया, ओकर चाचा से मार फंसैया, आर मेर सब मार होगा, आ नौकरी नौकरी तो होगा कि भगवान जाने, शादी ब्याह मुश्किल हो तो सोचते रह जाए घस मोरा मंजन। मैं सोच लो आप लोग पर भी नियम लागू है,
ही नहीं कि एक तरफ का नियम है, आधी लोग सोच रही होगी गलत फंस गए आज। लेकिन भगवान जिसको फंसाता है उसका कल्याण कर देता है, और दुनिया जिसको फंसाती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए आप फंस भी रहे हैं तो कहां फंस रहे हैं? भगवान, भगवान में फंस जाओ और फिर देखो कि चमत्कार होता है कि। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।